हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ UPSC असिस्टेंट प्रोफेसर को लेके। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने आप सभी को बताया था कि जो भी आयोग की तरफ से जानकारियाँ मिलती रहेंगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से बताती रहूँगी। तो देखिए, आज यहाँ जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल 31 मई है और मैंने पिछले वीडियो में यही बताया था कि 31 मई को जो है कुछ विषयों के परिणाम जो है जारी होने वाले हैं, उनको कॉलेज जो है आवंटित होने वाले हैं। तो यहाँ वही जानकारी है कि कौन से कॉलेज जो है उनको आवंटित किए जाएंगे या कौन से उसमें विषय हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि BEd के 112 और रसायन विज्ञान के 159 चयनित शामिल, यानी कि जो आपके विषय रहेंगे वो रहेगा BEd और रसायन विज्ञान। तो इन दोनों विषयों के जो है कल काउंसलिंग जो है वो प्रक्रिया, जो विज्ञप्ति उनकी ज्वाइनिंग लेटर है वो उनको भेज दिया जाएगा और आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ आपको मैं पूरा दिखा देती हूँ क्या लिखा हुआ है। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 50 के तहत दो विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 271 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को 31 मई को ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से कॉलेज जो है आवंटित कर दिए जाएंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय ने कॉलेज आवंटन का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 31 मई को ही कॉलेज आवंटन के साथ अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी जो है ऑनलाइन जारी कर दिए जाएंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय 31 मई को असिस्टेंट प्रोफेसर BEd के 112 और असिस्टेंट प्रोफेसर रसायन विज्ञान के 159 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित कर देगा। इसके लिए ऑनलाइन काउंसलिंग का कार्यक्रम जो है जारी कर दिया गया है। हालांकि BEd के चयनित अभ्यर्थियों को काफ़ी पहले ही कॉलेज आवंटित हो जाने चाहिए थी, लेकिन इसका मामला जो था वो कोर्ट में था, जिसके कारण जो इनकी काउंसलिंग थी BEd वालों की वो रोक दी गई थी। न्यायालय में दाखिल याचिका वापस लिए जाने के बाद निदेशालय ने अब BEd के चयनित अभ्यर्थियों को भी कॉलेज आवंटित करने का निर्णय ले लिया है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग निदेशालय को 17 मई को जो है BEd का परिणाम जो है वो भेज दिया गया था। अब 31 मई को असिस्टेंट प्रोफेसर रसायन विज्ञान के साथ जो है आपको BEd के भी 112 चयनित अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित कर दिए गए हैं। तो और इनकी काउंसलिंग जो है समय से ऑनलाइन कराई गई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 20 दिनों में आयोग के द्वारा जो है 623 अभ्यर्थियों को जो है कॉलेज मिल चुके हैं। तो उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से अब तक 18 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 623 चयनित अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित कर दिया गया था। सबसे पहले 10 मई को हिंदी विषय का, इसके बाद जो है पूरी प्रक्रिया जो है आगे आगे विषयों को देता रहा है और यहाँ जो अंतिम है वो जुलाई तक जो है कॉलेज आवंटित कर देगा। इसके बाद जो है आपकी नई वैकेंसी जो है वो भी निकल के सामने आपके आ जाएगी, जो कि 917 पदों पर आनी है। ये भी वैकेंसी, ये जैसे ही प्रक्रिया समाप्त होगी इसके बाद आप सभी के सामने अगली वैकेंसी भी जारी हो जाएगी। तो देखिए, जो भी जानकारी रहती है आप सभी को मैं बताती रहूँगी, तो इसलिए चैनल से जुड़े रहिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।